हेलो दोस्तों, आप इस वीडियो में जो ये जो आप खजूर देख रहे हैं, ये सफावी खजूर है जो कि बहुत ही सूखा जैसे होता है, ज़्यादा जैसे गीला नहीं होता है, जो अभी अलग होते हैं। इसके बीज को मैंने जर्मिनेट किया है, तो जो कि आप देख रहे हैं ये सीड्स हैं, थोड़े से लंबे होते हैं, तो इसको मैंने सक्सेसफुली जर्मिनेट किया है। ये ज़्यादातर मदीने में मिलते हैं, जो उम्रा के लिए आप जाएंगे तो वहाँ पर अक्सर आपको ये दिख जाता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं अग्रीटेक ज्ञान। आप देख रहे हैं, मैंने एक ये छोटा सा पॉट लिया है जिसमें होल्स हैं, गमला है। आप कोई सा भी पॉट ले करते हैं, उसमें आप होल कर दें, जो एक्सेस पानी है वो गिर जाए। इसके लिए मैं देखिए यहाँ पे एक पत्थर लगा रहा हूँ, पत्थर को रख देंगे, इसके बाद मिट्टी डालेंगे तो जो मिट्टी है वो नीचे नहीं गिरेगा और पानी जो है वो फिल्टर होकर नीचे गिर जाएंगे, जो एक्सेस पानी होंगे। और इसमें मिट्टी डाल देंगे, आपको अगर जो मिक्स करके मिट्टी गोबर की गली सड़ी खाद अगर मिल जाए तो वो भी डाल दें आप। वैसे नॉर्मल मिट्टी में भी ये जर्मिनेट हो जाता है, लेकिन आप मिला दें तो और बेटर हो जाएगा। इसको मिक्स कर दें और इसको मिट्टी को आप पॉट में डाल दें, और फिर बीज है उसको आप ऊपर डाल दें, और फिर पानी डाल के इसको आप छोड़ दें। खजूर के बीज के जर्मिनेशन के लिए थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लेता है जर्मिनेट करने के लिए, और आप लास्ट में ये कोकोपीट हो अगर तो आप डाल दें, या फिर आपके पास गोबर की जो खाद है उसको आप ऊपर डाल दें। ऐसे ही जैसे कि आप देख रहे हैं, ये 2 महीने हो चुका है, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी ग्रोथ हुई है, जर्मिनेट भी अच्छा हुआ है, और ये जड़ जो है नीचे की तरफ आ गए हैं। अब इसको हमें किसी बड़े पॉट में या फिर गार्डन में कहीं पे इसको ज़मीन पे लगाना पड़ेगा। सभी जो सीड्स हैं वो जर्मिनेट हुए हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप अग्रीटेक ज्ञान चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो है मैं ये अजवा खजूर पे बनाऊंगा। तो नया वीडियो की इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा होगा कि आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा, जिससे आप वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।